जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन व थानेसर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके प्रवीण चौधरी आज से चुनावी रन की शुरुआत करेंगे। हालांकि जनवरी 2018 में प्रवीण चौधरी ज्योतिसर से चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। इसके बाद से प्रवीण चौधरी लगातार लोगों के संपर्क में हैं, वह कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। चुनावी माहौल बनाने को प्रवीण चौधरी घोषणा पत्र भी तैयार कर चुके हैं। इसके लिए हर घर में जाकर वे लिखित में सुझाव जनता से मांगेंगे। प्रवीण चौधरी ने शनिवार को ब्रह्म सरोवर स्थित निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि थानेसर की जनता से सीधे तौर पर जुड़कर उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और उनकी बातों को घोषणा पत्र में डालने का यह पहला प्रयास है। उन्होंने कहा कि जनता से सुझाव लेने के पीछे उनकी एक ही सोच है कि पूरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह पता चल सके, इससे आने वाले समय में इन समस्याओं को दूर करवाने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी राजनेता जनता से यह नहीं पूछने आता कि वह क्षेत्र के लिए क्या करे, लेकिन वे जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए जनता से पूछकर ही सभी योजनाएं बना रहे हैं। सभी 192 बूथों को भी मजबूत करेंगे। प्रवीण चौधरी ने कहा कि उन्होंने थानेसर विधानसभा के सभी 192 बूथों पर बूथ सेवादारों की नियुक्ति कर दी है। अब इन सभी बूथों पर सेवादारों की संख्या को बढ़ाने का काम किया जा रहा है ताकि सभी बूथों को मजबूत किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के सुझाव हमारी ताकत है, इस अभियान से सभी बूथों को भी मजबूत बनाया जाएगा। अब मेन एजेंडा, मेन मुद्दा थानेसर हलके के विकास के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ और कम पैसे में ज़्यादा काम करना किस तरीके से हो सकता है, उसके लिए हम लोगों ने प्रभारियों की, सभी साथियों की मीटिंग ली थी। पूरे हल्के के प्रभारी इकट्ठे हुए थे, उसके अंदर निर्णय लिया गया जो हम लोगों ने जनरल मीटिंग के अंदर भी लिया गया था कि हम जो चुनाव लड़ेंगे वो एक घोषणा पत्र के ऊपर लड़ेंगे, क्योंकि हर पार्टी कोई ना कोई अपना घोषणा पत्र निकालती है, एजेंडा देती है। घोषणा पत्र हम लोग अपने आप तैयार नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक पत्र तैयार किया है। आज इस पत्र के अंदर जनता से अपील की है कि आप अपना सुझाव दें। सुझाव के लिए हमारे साथी लोग और हम डोर टू डोर पूरे हलके को करेंगे, उसके अंदर हम जनता से सुझाव लेंगे कि आप किस प्रकार से काम चाहते हो। कई बार एक व्यक्ति की कोई अकेली सड़क की समस्या ही नहीं है, एक व्यक्ति की कोई अलग समस्या हो सकती है। हम लोग जानेंगे कि हमारे क्षेत्र के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, हमें किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करेंगे, उसमें घोषणा पत्र में बताया जाएगा। इसके साथ साथ हम जानना चाहते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर कितने लोग अस्वस्थ हैं, कितने व्यक्ति बीमार लोग हैं, हम बीमारी के बारे में कौन सी बीमारी हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, हम उस बीमारी का रोकथाम के लिए और सरकार से किसी भी तरीके से उस समस्या का समाधान के लिए हम अपील भी करेंगे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम एडवांस में जानना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की हकीकत में समस्याएं क्या हैं। अगर हमें एडवांस में पता चल गई, हमें उस समय जब समस्याओं का समाधान करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हम जनता से ही बीच में जा जाकर घर घर जा जाकर अभी रविवार को ही हम थानेश्वर मंदिर से डोर टू डोर स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें जनता की समस्याओं का पता चल रहा है।